हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज आपके संदीप सर ने मेरा काफ़ी सारा टाइम खा लिया है, तो हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। वैसे इतनी भी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो हमारी तो क्लास फटाफट से हो ही जानी है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं, फटाफट आंसर देंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अंडा की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आप इसमें क्विज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डाउनलोड द ऐप नाउ। बात करेंगे आपके बैचेस की, तो आप सभी को पता है नाबार्ड इज कमिंग नियरर, तो आप नाबार्ड का अगर मॉक टेस्ट लेना चाहें, यू कैन एनरोल इन द बैच। ऐसे ही आप फसाई के मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहें अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, यू कैन ज्वाइन द बैच। और एग्रीकल्चर महापैक उनके लिए है जिनको सारे एग्जाम्स देने का शौक चढ़ा है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम आप पूरे साल देते हैं, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं इन ₹7,359 यूजिंग द कोड Y448। जब आप Y448 का यूज करेंगे तो ये 32,000 से घटकर कितना हो जाएगा, 7,359 हो जाएगा, जिसमें आपको हरियाणा ADO की क्लासेस भी मिलेंगी। अभी बैच शुरू नहीं हुआ है, डोंट वरी। AFO की क्लासेस भी मिलेंगी, जो आपके बैचेस अभी चल रहे हैं, राइट? आपकी फसाई की भी मिलेगी, ICR असिस्टेंट की भी मिलेगी, सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स हैं उन सभी की क्लासेस आपको इसमें मिलती है विद e-notes एंड बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। सो यू कैन ज्वाइन एग्रीकल्चर महापैक। इनमें कैसे करना है एनरोल, हम देखेंगे क्लास के एंड में। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास इन राइस। क्लिपिंग टिप ऑफ सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज डन टू एलिमिनेट मासेस ऑफ राइस। में क्लिपिंग की जाती है, इसके पोर्शंस हटाए जाते हैं, राइट? सो पोर्शंस हटाने का मतलब क्या है, क्लिपिंग हम क्यों करते हैं? क्लिपिंग का मतलब है जस्ट यू हैव टू क्लिप दोज ट्विग्स, राइट? क्यों करते हैं हम क्लिपिंग, क्योंकि इनके ऊपर आपके जो ये इंसेक्ट है ये बहुत सारे अंडे देता है, तो क्लिपिंग से उसका एग मास कम हो जाता है, तो उसका इन्फेस्टेशन फील्ड में कम रहता है। तो ये कौन सा इंसेक्ट है फटाफट से बताइए। इन राइस क्लिपिंग ऑफ टिप्स ऑफ द सीडलिंग इज डन टू अवॉइड विच इंसेक्ट। भैया ये जाके योगी से पूछे, एक हमारी क्लास में योगी आता है, उससे पूछो, योगी आदित्यनाथ। आई कैन नॉट आंसर क्यों नहीं आती है, एंड आई एम फेसिंग द सेम, लाइक इन हरियाणा में भी सेम सिचुएशन है। आई एम फ्रॉम हरियाणा, है ना? सो वेरी वेरी लेस वैकेंसीज गोज इन हरियाणा एंड यूपी काइंड ऑफ स्टेट, एंड द स्टेट्स लाइक पंजाब एंड राजस्थान आर वेरी रिच इन एग्रीकल्चर। इनमें टाइम टू टाइम पोस्ट्स निकलती रहती हैं, राइट? चलिए, सो इसका आंसर बच्चे आपका ए होगा, यस, येलो स्टेम बोरर। ठीक है, येलो स्टेम बोरर जो है आपका इसमें आंसर होगा। तो येलो स्टेम बोरर जो है आपके एग, अपने एग्स ले करता है प्लांट की टिप पर, जो लीव्स होती है उन पर। जब आप प्लांट की टिप को क्लिप कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा, एग मासेस कम हो जाएंगे, फील्ड पर इन्फेस्टेशन कम होगा, राइट? सो ए विल बी द आंसर। चलिए अगला चलते हैं। डेड हार्ट इन द वीट सेंट्रल शूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ विच इंसेक्ट। वीट में जो सेंट्रल शूट होती है, बीच वाली जो सेंट्रल शूट होती है, उसमें डेड हार्ट कौन सा इंसेक्ट बनाता है? टर्माइट्स बनाते हैं, स्टेम बोरर बनाता है, ग्राम प्लांट बग बनाता है, सॉरी ग्रीन प्लांट बग बनाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द आंसर? डेड हर्ट्स इन द वीट सेंट्रल शूट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट? टर्माइट्स, स्टेम बोरर, ग्रीन प्लांट बग, और ऑल ऑफ द अबव। यस, द राइट आंसर इज स्टेम बोरर। क्या है राइट आंसर? स्टेम बोरर, है ना? तो स्टेम बोरर, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
तो ये स्टेम बोरर जो है ऑफकोर्स क्या करेगा, स्टेम में बोर करेगा, स्टेम में छेद बनाएगा, उसके अंदर फीड करेगा और डेड हर्ट्स क्रिएट करेगा. डेड हर्ट्स क्या होते हैं, डेड टिश्यूज के जो पैचेस होते हैं उनको डेड हर्ट्स कहते हैं, यानी कि वहां के टिश्यूज मर चुके हैं, गल चुके हैं, सड़ चुके हैं. राइट, सो बी विल बी द आंसर. अमेरिकन बॉल वॉर्म कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ प्रीडेटर. अमेरिकन बॉल वॉर्म को किस प्रीडेटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? अमेरिकन बॉल वॉर्म को किस प्रीडेटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? व्हाट इज अ प्रीडेटर? जो दूसरे पर फीड करे, यानी कि ये जो इंसेक्ट है, इनमें से जो लिस्टेड इंसेक्ट है, ये अमेरिकन बॉल वॉर्म पर फीड करता है, अटैक करता है, तो उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देता है. कौन सा होगा इनमें से? क्राइसोपर्ला कार्निया, ट्राइकोग्रामा स्पीशी, निमेटोस्पोरा गोसिपाए. आंसर क्या होगा? ए, क्राइसोपर्ला कार्निया. दिस इज योर क्राइसोपर्ला कार्निया. कितना छोटा सा इंसेक्ट है, बट इट कैन प्रिडेट योर अमेरिकन बॉल वॉर्म. ये अमेरिकन बॉल वॉर्म पर प्रिडेट करता है, यानी कि उसकी एडल्ट स्टेज पर नहीं करता. एडल्ट स्टेज उसकी काफी खतरनाक होती है, जब वो कैटरपिलर स्टेज में होता है, जब वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, उस स्टेज पर ये उसको अटैक करता है, मारता है और खा जाता है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा बच्चे आपका? क्राइसोपर्ला कार्निया. Which bacteria is responsible for staining in cotton fiber? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कॉटन फाइबर में स्टेनिंग, यानी कि दाग लगा सकता है? उसमें कुछ सिक्रेट होता है इस तरीके का, जिसकी वजह से आपकी जो कॉटन है उस पर दाग लग जाता है, गंदी हो जाती है. कौन सा है ये? एजोटोबैक्टर स्पीशी हो सकता है, क्लॉस्ट्रोडियम हो सकता है, निमेटोस्पोरा गोसिपाए हो सकता है, या बेसिलस स्पीशी हो सकती है. Which bacteria is responsible for staining of cotton fiber? A, B, C या फिर D? क्या होगा आंसर? The answer will be Nematospora gossypii. क्या होगा बच्चे आपका आंसर? Nematospora gossypii आपका आंसर होगा, C. ठीक है, Yes, so C will be the answer. Damini, Rahul, very nice. The ball worm which covers the opening once it enters into the ball. Cotton का ये insect है, जब ये ball, जब आपकी developing cotton की ball होती है, उसमें जब ये जाता है, छेद करता है, उसके अंदर enter करता है, उसके बाद ये अपनी ही जो exit है उसको क्या कर देता है? Block कर देता है ना. It covers the opening once it enters into the ball. तो ये कौन सा ball worm है? Cotton semi-looper है, पिंक बॉल वॉर्म है, स्पॉटेड बॉल वॉर्म है, या अमेरिकन बॉल वॉर्म है? विच क्लोजेस इट्स एंट्री, ये अपनी एंट्री क्लोज कर देता है, ये कॉटन का कौन सा बॉल वॉर्म होगा? बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? यस, द आंसर इज डी. डी नहीं होगा बच्चे, सॉरी, आंसर इज पिंक बॉल वॉर्म. आंसर इज पिंक बॉल वॉर्म. ठीक है, देखिए यहां पर आपकी तस्वीर भी है पिंक बॉल वॉर्म की, है ना. तो पिंक बॉल वॉर्म है जो अपनी एंट्री को क्लोज कर देता है. ठीक है, अमेरिकन बॉल वॉर्म क्या करता है बच्चे? अमेरिकन बॉल वॉर्म जैसे कि अपना ये फ्रूट है, फ्रूट में छेद बनाए, ये सिर्फ अपना हेड अपने फ्रूट में घुसाता है, बाकी की बॉडी फ्रूट से बाहर लटकी हुई रहती है. तो ये होता है अमेरिकन बॉल वॉर्म में. लेकिन जो अंदर जाकर अपना छेद, अपना एंट्री गेट बंद कर लेता है, वो है आपका पिंक बॉल वॉर्म. राइट, तो ये याद रखिएगा, दोनों ना पूछ ले जाते हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं एंड कंफ्यूजिंग भी है. राइट, चलिए, फ्लेयर्ड स्क्वायर किस में पाए जाते हैं? फ्लेयर्ड स्क्वायर किस इंसेक्ट की वजह से होते हैं? एरियास विटेला, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, पेक्टिनोफोरा गोसिपेला और नन ऑफ द अबव. फ्लेयर्ड स्क्वायर यानी कि स्क्वायर्स पर जब ये इंसेक्ट अटैक करता है तो स्क्वायर जो है गिरने लगते हैं, झड़ने लगता है. दिस इज कॉल्ड फ्लेयर्ड स्क्वायर. राइट,
सो स्क्वायर्स क्या है, जब आपका फ्रूट डेवलप होने से पहले जो फ्लावरिंग का बड डेवलप होता है ना, जिसके चारों तरफ वो आपकी जो लीफ होती है कॉटन की इस तरीके से इंटैक्ट होती है, उसको कहते हैं स्क्वायर, राइट. सो द आंसर विल बी पेक्टिनोफोरा नहीं होगा, इसका आंसर आपका एरियास विटेला, स्पॉटेड बॉलवर्म. ठीक है, एरियास विटेला विल बी द आंसर. तो इसकी वजह से आप में फ्लेयर्ड स्क्वायर्स आते हैं. यस, सो ए विल बी द आंसर. शुगरकेन लीफ होपर पायरिला सिला इज कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड. ये जो आपका शुगरकेन लीफ होपर है, इसके कंट्रोल के लिए आप एक पैरासिटॉइड यूज करते हैं, लेपिडोप्टेरन पैरासिटॉइड का यूज करते हैं. लेपिडोप्टेरन का मतलब है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है ना. तो ये कौन सा पैरासिटॉइड है, एपिकार्निया मिलानोल्यूका है, ग्रैनोल्यूसोसिस वायरस है, स्टर्मियोसिस इन्फ्लुएंस है, या ट्राइकोग्रामा काइलोनिस है. गुड मॉर्निंग अनर्ज. यस, इट इज एपिकार्निया मिलानोल्यूका. व्हाट इट इज, एपिकार्निया मिलानोल्यूका. सो दिस इज योर एपिकार्ना मिलानोल्यूका. ये देखिए, ये जो आप रेड स्ट्रिप देख रहे हैं ना, ये अंडे दे रही है, एग्स, इट इज लेइंग एग्स. ओके, सो एपिकार्निया इज यूज्ड एज पैरासिटॉइड इन योर शुगरकेन लीफ होपर. शुगरकेन लीफ होपर में आपका एपिकार्निया जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट. चलिए अगला क्वेश्चन. स्केलेनेटाइजेशन ऑफ टबैको लीव्स इज कॉज्ड बाय. स्केलेनेटाइजेशन क्या होता है, केवल स्केलेटन रह जाता है, लीफ लेमिना पूरा खत्म कर देता है ना. सो ये किसकी वजह से होता है, एफिड की वजह से होता है, वीट सॉरी व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है, टबैको कैटरपिलर की वजह से होता है, या टबैको स्टेम गॉल की वजह से होता है. एफिड, व्हाइट फ्लाई, टबैको कैटरपिलर और टबैको स्टेम गॉल फॉर्मेशन. स्केलेटनाइजेशन ऑफ टबैको लीव्स इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है. सी, टबैको कैटरपिलर, स्पोडिप्टेरा लिट्यूरा, राइट. स्पोडिप्टेरा बहुत विग्रसली लीव्स पर फीड करता है, लेकिन लीफ की मिडरिब्स को या वेन्स को नहीं खाता है. तो इसकी वजह से स्केलेटनाइजेशन लीफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यानी कि केवल स्केलेटन बच जाता है, लीफ लैमिना को ही खत्म कर देता है. सो सी विल बी द आंसर. चलिए गाइज, क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक लाइक करके मैम को बताना जरूरी है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है ना. सो हिट अ लाइक बटन, ताकि मैम को पता भी चले कि क्लास अच्छी लग रही है बच्चों को, राइट. चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं. ये अपनी चिट चैट ना लास्ट में किया कीजिए, दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मी, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट गिव द आंसर्स और आस्क द क्वेश्चंस. चलिए, टी शेप मार्किंग ऑन मार्बल साइज्ड मैंगो. जब मैंगो इतना छोटा होता है, मार्बल साइज का होता है, तो उस पर एक टी शेप की मार्किंग दिखाई देती है, और लेटर स्टेज पर इसके जो कॉटिलेडन्स होते हैं उन पर कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, है ना. यानी कि इसके सीड्स के कॉटिलेडन्स पर ये इंसेक्ट फीड करता है. तो ये कौन सा इंसेक्ट है, एमरिटोडिस एटकिंसोनी है, ड्रोसिका मैंगिफेरा है, सॉरी स्टर्नोकीटस मैग्निफेरा है, या फिर ओसियोपाइला साइनीग्राइडेलिया है. व्हाट इज द इंसेक्ट नेम जिसकी टी शेप मार्किंग दिखाई देती है मार्बल साइज्ड प्लांट पर, और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है इसका, ये जो आपके कॉटिलेडन्स है उन पर फीड करता है, सीड के जो कॉटिलेडन्स है उन पर फीड करता है. तो ये आपका कौन सा इंसेक्ट है बच्चे,
सी स्टर्नोकिटस मैनगीफेरा, इसको और हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर स्टर्नोकिटस, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर इट, स्टोन विविल, क्या है इसका कॉमन नेम बच्चे, स्टोन विविल, है ना। सो दिस इज योर स्टोन विविल एंड इट फीड्स ऑन द सीड, ये आपके मैंगो के सीड पर फीड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, लेमन बटरफ्लाई का दूसरा नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन बटरफ्लाई, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन बटरफ्लाई, टोकोप्टरा सिट्रिडिया, फाइलोक्निस्टिक सिट्रेला, पैपिलियोनी डेमोलियस या फिर नन ऑफ द अबव। लेमन बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, यस ये तो सभी को पता है ना, पैपिलियो डेमोलियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है सी। Bagging of anar fruit with polythene cover is done to avoid damage of which insect? जब आपके अनार फ्रूट छोटी स्टेज पर होते हैं तभी हम उनको पॉलिथीन से कवर कर देते हैं, उनकी बैगिंग कर देते हैं ताकि हम इस इंसेक्ट से इनको बचा पाए। तो ये कौन सा इंसेक्ट है जिससे हमें अपने अनार को बचाना है, बटरफ्लाई सकिंग मोथ है, फ्रूट बोरर है, शूट होल बोरर है या फिर फ्रूट फ्लाई है, किस इंसेक्ट से बचने के लिए अनार में बैगिंग की जाती है, डी फ्रूट फ्लाई। सो द आंसर इज ए बटरफ्लाई सकिंग मोथ, ठीक है बटरफ्लाई सकिंग मोथ, इसको अनार बटरफ्लाई भी आप कहते हैं एंड इट इज लाइक ब्लूइश शेप सॉरी कलर यू कैन सी इन द पिक्चर, है ना। तो आपकी बटरफ्लाई सकिंग मोथ विल बी द आंसर नॉट द फ्रूट फ्लाई, जनरली फ्रूट फ्लाई के लिए किया जाता है लेकिन अनार में आपकी बटरफ्लाई सकिंग मोथ के लिए किया जाता है क्योंकि अनार का जो ऊपर का छिलका है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेदरी और हैवी होता है तो उस पर फ्रूट फ्लाई का इन्फेस्टेशन इतना डैमेजिंग नहीं होता जितना इसका बटरफ्लाई सकिंग मोथ का होता है, ठीक है। सो ये आपका जो है ए आंसर है। बंची टॉप अपीयरेंस इन ग्रो अप शुगर केन इज द फॉर्मेशन ऑफ साइड शूट इज कॉज्ड बाय, बंची टॉप अपीयरेंस शुगर केन में किसकी वजह से होती है, अर्ली शूट बोरर के कारण होती है, टॉप शूट बोरर के कारण होती है, वुली एफिड के कारण होती है या फिर पायरिला के कारण होती है। बंची टॉप अपीयरेंस शुगर केन में किस इंसेक्ट के कारण होती है, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, वुली एफिड और पायरिला। Tell me the answer, फटाफट क्या होगा, बंची टॉप बोरर है तो भाई टॉप शूट बोरर ही इसको क्या करेगा दिखाएगा, है ना, टॉप शूट बोरर, तो बंची टॉप टॉप शूट बोरर की वजह से होती है यानी कि सिरकोफागा निवेला की वजह से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स मिनिमाइजेस द अटैक ऑफ, स्ट्रिपिंग ऑफ शुगर केन लीव्स की जाती है, शुगर केन की लीव्स की जो है स्ट्रिपिंग की जाती है यानी कि उनको हटाया जाता है ना। सो ये हम किसके अटैक को कम करने के लिए करते हैं, मिली बग के अटैक को कम करने के लिए करते हैं, पायरिला के अटैक को कम करने के लिए करते हैं, अर्ली शूट बोरर या फिर टॉप शूट बोरर, What will be the answer? Stripping of sugarcane leaves minimizes the attack of what? A, B, C या फिर D? क्या होगा आंसर? A, मिलीबग्स, है ना? A, मिलीबग्स।
तो मिली बग्स जनरली जो है आपकी स्टेम या बार्क पर चढ़ते हुए आते हैं, व्हाइट कलर के आपके मिली बग्स होते हैं। तो मैंगो में भी जैसे मिली बग काफी आते हैं, तो जो बार्क होती है उसको आप लाइक 4-5 feet तक पेंट अगर कर दें तो इस पर मिली बग्स का अटैक कम होता है। उसी तरीके से आप शुगर केन पे, हम पेंट तो नहीं कर सकते, इतने सारी शुगर केन है, तो हम इनके क्या करते हैं, ट्रिपिंग करते हैं, जिसकी वजह से मिली बग का अटैक जो है कम होता है। सो ए विल बी द आंसर। विच पेस्ट ऑफ पोटैटो अटैक्स ट्यूबर बोथ एट द फील्ड एंड द स्टोरेज स्टेट, यानी कि पोटैटो में ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो उसको जब आप स्टोर करते हैं घर में या गुडाउन में, तब भी वो आपके पोटैटो पर अटैक कर सकता है, और जब वो फील्ड पर मौजूद है तब भी वो आपकी पोटैटो क्रॉप पर अटैक कर सकता है। तो ये कौन सा इंसेक्ट है, पोटैटो एफिड है, लेडी बर्ड बीटल है, पोटैटो ट्यूबर मोथ है, या पोटैटो ब्लैक कट वॉर्म है? यस, द आंसर इज पोटैटो ट्यूबर मोथ। पोटैटो ट्यूबर मोथ आपकी ऐसी इंसेक्ट है जो स्टोरेज टाइम पर भी अटैक कर सकती है और फील्ड टाइम पर भी अटैक कर सकती है। ऐसा ही एक और इंसेक्ट है जो कि आपकी पल्सेस पर, स्टोरेज में भी अटैक करता है और फील्ड पर भी अटैक करता है। इसका नाम फटाफट आप मुझसे बताइए, पीछे का रिवीजन भी तो जरूरी है, आप पीछे क्या करके आ रहे हैं। तो अब फटाफट से मुझे इस इंसेक्ट का नाम बताइए जो पल्सेस में है, जो फिर से इसी की तरह फील्ड पर भी अटैक कर पाता है और स्टोर्ड पल्सेस पर भी अटैक कर पाता है। कौन सा इंसेक्ट है ये बताइए फटाफट से। पल्सेस आई एम आस्किंग, पल्स बीटल। यस, पल्स बीटल। ठीक है, तो पल्स बीटल फिर से आपकी पल्सेस पर, स्टोरेज और फील्ड दोनों ही जगह अटैक कर सकती है। इसको याद रखिएगा, बहुत कम ऐसे इंसेक्ट हैं जो स्टोरेज और फील्ड दोनों पर अटैक करते हैं। एग लार्वल पैरासिटॉइड किलोनस ब्लैक बर्निंग इज यूज्ड टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ, ये किलोनस ब्लैक बर्निंग जो है ये आपका एग पैरासिटॉइड है, सॉरी एग लार्वल पैरासिटॉइड है, एंड इट चेक्स द पॉपुलेशन ऑफ, ये किसकी पॉपुलेशन को चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, यानी कि किसकी पॉपुलेशन को लोअर लाने के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रोटस इप्सिलॉन को या फिर पाइथोर्मिया ऑपरक्यूला को या फिर मेजस पर्सिके को या फिर नन ऑफ द अबव। काइलोनस ब्लैक बर्निंग किसकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए यूज की जाती है, शी इज काइलोनस ब्लैक बर्निंग। ठीक है, बिल्कुल मक्खी जैसा सा दिखता है, इट्स अ एग लार्वल पैरासिटॉइड। किसकी पॉपुलेशन को कम करता है बच्चे, डी, यस, पी ऑपरक्यूलेरा। ठीक है, दिस इज योर पोटैटो ट्यूबर मोथ जिसकी हमने फोटो अभी देखी थी, सॉरी ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसकी फोटो देखी थी, दिस इज योर पोटैटो ट्यूबर मोथ। इसको कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, विच इज नोन एज काइलेनस, सॉरी कैलियोनस ब्लैक बर्निंग, राइट। चलिए अगला चलते हैं, माइनिंग एंड स्केलेटनाइजेशन ऑफ कैबेज लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक डैमेज सिम्टम्स ऑफ, कैबेज के अंदर माइनिंग करना और स्केलेटनाइज्ड लीफ बनाना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, डायमंड ब्लैक बैक मोथ का है, कैबेज बोरर का है, पेंटेड बग का है, या फिर नन ऑफ द अबव। कैबेज के अंदर बोर करना, उसकी लीव्स पर फीड करना और मिड रिब को छोड़ देना, ये किस इंसेक्ट की पहचान है, डायमंड बैक मोथ, कैबेज बोरर, पेंटेड बग, या फिर नन ऑफ द अबव। यस, द आंसर इज डायमंड बैक मोथ। आंसर क्या है, डायमंड बैक मोथ। ठीक है, तो ये आपका डायमंड बैक मोथ है। क्यों कहते हैं इसको डायमंड बैक मोथ, इस तरीके से इसके पीछे जो है बैक पर स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं डायमंड शेप के।
तो इसलिए इसको जो है डायमंड बैक मोथ कहते हैं। वैसे यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री लग रहा है बट इट्स लाइक दिस, है ना। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हैं तो इसको डायमंड बैक मोथ कहा जाता है कि इसके बैक पर जो है डायमंड जैसी शेप्स बनी हुई होती हैं। तो बीटी कैबेज किसके लिए उगाया जाता है भाई? बीटी कैबेज इज डेवलप्ड अगेंस्ट विच इंसेक्ट? जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन आप लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के खिलाफ जो है लगाते हैं ना, चाहे आपका स्पॉटेड बॉलवर्म हो, अमेरिकन बॉलवर्म हो या पिंक बॉलवर्म हो, उसी तरीके से बीटी कैबेज आप किसके अगेंस्ट जो है डेवलप करते हैं? डायमंड बैक मोथ के अगेंस्ट, कैबेज बटरफ्लाई के अगेंस्ट, एफिड के अगेंस्ट या फिर पेंटेड बग्स के अगेंस्ट, ए बी सी या फिर डी? ए ए ए, ओके। सो द आंसर इज अगेन ए, डायमंड बैक मोथ। आंसर क्या है बच्चे आपका? डायमंड बैक मोथ आपका आंसर है, राइट? द आंसर इज डायमंड बैक मोथ। गमोसेस एंड क्राउन टॉपिंग इन कोकोनट आर ड्यू टू? कोकोनट में गमोसेस और क्राउन टॉपिंग किस इंसेक्ट के कारण होती है? गमोसेस यू कैन सी लाइक जैसे आपका जो गम टाइप सिक्रीशन निकलता है, जैसे आपका प्लांट जो है ब्लीड कर रहा हो, है ना, तो इसको गमोसेस कहते हैं। तो ये किस इंसेक्ट के कारण प्लांट में होता है? राइनोसोरस बिटल के कारण होता है, रेड पाम बिटल के कारण होता है, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के कारण होता है या कोकोनट माइट के कारण होता है? किसके कारण होगा? यस, द आंसर इज रेड पाम विविल। रेड पाम विविल बी विल बी द आंसर, जिसके कारण गमोसिस होता है और क्राउन टॉपलिंग होती है कोकोनट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट ऑफ कॉफी? इनमें से कौन सा पेस्ट है जो कॉफी का पेस्ट तो है लेकिन हमारे यहाँ का निवासी नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड है यानी कि कहीं और किसी और कंट्री से यहाँ पर आया है? तो ये कौन सा इंसेक्ट है? ग्रीन बग है, बेरी बोरर है, स्टेम बोरर है या मिली बग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट इज एन इंट्रोड्यूस्ड पेस्ट ऑफ कॉफी? ये क्लास गुरुग्राम हरियाणा से चल रही है। चलिए, सो द आंसर इज यस, बेरी बोरर। आंसर क्या है? बेरी बोरर आपका आंसर है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अफ्रीका, इट इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर है जो correctly matched नहीं है? Potato tuber moth, damaging stages grubs, rice weevil, damaging stages grubs plus adult, pulse beetle, damaging stage is grubs, और lesser grain borer, damaging stage is again grubs plus adults. Which one of them is not correctly matched? इनमें से कौन सा correctly matched नहीं है? मिलने आना है शिवा? Yes, the answer will be potato tuber moth. ठीक है, potato tuber moth. भैया moth है, मोथ में डैमेजिंग स्टेज ग्रब्स कब से होने लग गई, है ना? कैटरपिलर होगा तो कैटरपिलर की जगह हमने क्या लिख दिया? ग्रब्स लिख दिया, तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ए विल बी द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? राइस वीवल, साइटोफिलस ओराइजी, पर्ल्स बीटल, हेलिकोवर्पा आर्मीडेरा, लेसर ग्रेन बोरर, राइजोपर्था डोमिनिका
या फिर खपरा बिटल ट्रोगोगर्मा ग्रैनेरियम, विच वन ऑफ देम इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बिल्कुल राजू, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात होगी, है ना? यस, द आंसर इज पल्स बिटल का नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नहीं होता है, है ना? सो वेरी इजी टू आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पेस्ट ऑफ अ स्टोरेज पेस्ट? स्टोरेज का सेकेंडरी पेस्ट इनमें से कौन सा है? लॉन्ग हेडेड फोर फ्लोर बिटल बोरर, फ्लैट ग्रेन बिटल, सो टूथ ग्रेन बिटल और ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा इंसेक्ट है जो स्टोर्ड पेस्ट का जो है सेकेंडरी पेस्ट है? स्टोर्ड पेस्ट आपके दो टाइप के पेस्ट होते हैं बच्चे, प्राइमरी पेस्ट एंड सेकेंडरी पेस्ट। प्राइमरी पेस्ट कौन से होते हैं? जो फर्स्ट टाइम आपके जो ग्रेन्स होते हैं उन पर जो फीड करते हैं ना, होल ग्रेन्स पर जो फीड करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उन पर फीड करते हैं, ये आपके प्राइमरी फीडर्स होते हैं। उसके बाद जो टूटा हुआ ग्रेन है या ऑलरेडी डैमेज ग्रेन है या ऑलरेडी उस पर फंगल अटैक है ना, ऐसे जो वीक ग्रेन्स होते हैं उन पर जो अटैक करते हैं इंसेक्ट, इनको कहते हैं सेकेंडरी पेस्ट। तो ये सेकेंडरी पेस्ट कौन से हैं? यस डी, ऑल ऑफ दीज आर योर सेकेंडरी पेस्ट। यानी कि ऑलरेडी जो डैमेज है किसी और इंसेक्ट के द्वारा, ब्रोकन है, टूटा हुआ है, ऐसे सीड पर ये अटैक करते हैं, पूरे होल सीड पर अटैक नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चे? आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द दीज विल बी द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन डी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ और नए एमसीक्यूज के साथ। और अब मेरा हॉर्टिकल्चर का भार उतर चुका है ना, पुष्कर सर जाने के बाद अब आप लोगों को रिवीजन तो करवाना था, सो आई टुक इट। तो अब आप लोगों को हॉर्टिकल्चर आपके आकाश सर पढ़ाएंगे एंड 2 बजे उनकी क्लास है, सो यू कैन अटेंड दोज क्लास ऑल्सो। और दीज आर योर बैचेस इफ यू वॉन्ट टू एनरोल योर IBPS AFO बैच, क्योंकि अब तो मतलब तैयारी करनी शुरू कर ही देनी चाहिए, कुछ ही महीने रह गए हैं, बहुत मौज मस्ती हो गई है। तो जो भी बच्चे IBPS AFO को टारगेट कर रहे हैं, दे कैन एनरोल इन द बैच। द प्राइसेस आर रिटन हियर 3680। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं Y448, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। दूसरी तरफ नाबार्ड का मॉक टेस्ट है, जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे नाबार्ड एग्जाम दे रहे हैं, नाबार्ड मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहें तो वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आपको केवल क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आंसर्स टीचर्स के साथ डिस्कस भी किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मूव टू Adda247 एंड सी हाउ टू एनरोल इन द बैच। तो जैसे ही आप गूगल खोलेंगे, Adda247 टाइप करेंगे, यू हैव द फर्स्ट साइट हियर, राइट? यहां पर आप अपना बैच सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली और यहां से आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। जैसे ही आप नीचे जाकर करेंगे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, आपको एग्रीकल्चर के सारे बैचेस दिखेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे मल्टीपल एग्जाम देते हैं वो एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और सही लगे और बाय नाउ पर क्लिक करें तो यहाँ आपको जो विंडो मिलती है इसमें आप टाइप कीजिए Y448। जैसे ही Y448 टाइप करेंगे, इसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है एंड कम्स टू 7359। सो दिस इज योर एग्रीकल्चर महापैक, जिसमें आपको पूरे साल के लिए सभी लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज मिलते हैं। एंटो के लिए बुक बताऊं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट सागर? अगर आप केवल जनरल एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एंटो के लिए स्पेशल बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि वो फिर आपके लिए बहुत वास्ट हो जाएगा, है ना? अगर आप बात करें मेरी, तो मैं किसी बुक से नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ उन नोट से पढ़ती हूँ जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में बनाए हुए थे। सो आई डोंट प्रीफर एनी बुक, आई जस्ट गो विद माई नोट्स, आई एम द पर्सन हु स्टिक्स विद हर नोट्स। ओके,
सो लेट मी नो कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आई कैन जस्ट डीएम यू. तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास का भी हो रहा है टाइम. तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.